हेलो फ्रेंड्स, मैं गुनगुन और आप लोग देख रहे हैं गुनगुन ऑलराउंडर। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिवाली के लिए होम डेकोरेशन लेके आई हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत कम सामानों से बनता है, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्लिटर पेपर लिया है। ये देखिए, सिल्वर कलर का ग्लिटर पेपर लिया है। आप लोग कोई से भी कलर का पेपर ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने एक रिंग काटा है कार्डबोर्ड से। ये देखिए, कार्डबोर्ड से मैंने यहाँ पे रिंग काटा है और उसी के हिसाब से हम लोग ग्लिटर पेपर को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग को ऐसे सर्कल बना लेना है और फिर हम लोग कट करेंगे। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ये कट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे स्टिक कर लेते हैं कार्डबोर्ड पे। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने रेड कलर का ग्लिटर पेपर लिया और मैंने दिया को कट कर लिया कार्डबोर्ड पे, और इसे भी हम लोग ने कट कर लिया। ये देख सकते हैं आप लोग, और इसे भी हम लोग स्टिक कर देंगे जैसे हमने रिंग को स्टिक किया था। तो फ्रेंड्स, इसे हमने स्टिक कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से ये स्टिक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देखिए, ऐसे हम लोग रिंग में दिया को लगाएंगे और देख सकते हैं अभी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए, इसकी दीप भी हमें बनाना है, तो वो बना लेते हैं दीपक। तो देखिए, दो चीज़ हम लोग की बन चुकी है, और यहाँ पे अब हम लोग दीपक चिपकाएंगे। पहले कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग दिए को किसी भी तरीके से आप लोग डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लिटर पेपर से ही डेकोरेट किया है। और फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है, आप लोग अपने इस दिवाली ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, मैंने इसे कट कर लिया है और अब मैं स्टिक भी करूँगी। तो ये देखिए, ऐसे हम लोग स्टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे ऐसे दिया हुआ है स्टिक करने के लिए, तो मैं उसे स्टिक कर लेती हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, ऐसे हमने कार्डबोर्ड को कट किया है, तो इसे भी हम लोग स्टिक करेंगे जिसके ऊपर हम लोग अपना दिया रखेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैंने दो ऐसे कट किए हैं, बट आप लोग थोड़ा बड़ा कट कीजिएगा। तो
इन दोनों को हम लोग कट कर लेते हैं। आप लोग को जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप लोग किसी भी तरीके से दिए को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप लोग मोती से भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो मैंने इसे ऐसे डेकोरेट किया है। तो इसको मैं अच्छे से स्टिक कर दूंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग चाहे तो रिंग को भी किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दें। तो ये देखिए, कुछ मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, इन्हें आप लोग लगा के स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फ्लावर लगाऊंगी, और या फिर आप लोग मोती से भी चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग चाहे किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, पेपर से भी फ्लावर बना के चिपका सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फ्लावर लगाऊंगी और सारी चीज़ों को स्टिक करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ और आप लोग भी देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर हमने एक फ्लावर लगा दिया है और अब हम लोग दिए को स्टिक कर लेते हैं। तो आप लोग चाहे तो फेविक्विक से भी स्टिक कर सकते हैं या फिर फेविकोल से भी स्टिक कर सकते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन से स्टिक कर रही हूँ, इससे बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है। तो ये देखिए, मार्केट में आपको ग्लू गन ईजीली मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे स्टिक कर दिया है। और अब हम लोग इसे भी स्टिक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हमने स्टिक कर दिया है और इसी का साइज हम लोग कट कर लेंगे और ग्लिटर पेपर को इस पे स्टिक कर देंगे। तो ये देखिए, आप लोग चाहे तो इसका नाप एक और बना के करें। और रिबन थोड़ा सा मैंने कट किया है और इसे हम लोग ऐसे मोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम लोग इसके टॉप में स्टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है एक आर्टिफिशियल कैंडल, इसमें लाइट जलती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मार्केट में आपको ये 10 रुपीज़ का इजीली मिल जाएगा, ये देखिए। और कितना अच्छा लग रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।